हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हरियाली पनीर टिक्का बनाने की रेसिपी, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप। ये बहुत ही अमेजिंग है और बहुत डिलीशियस है। तो जब भी आपका कुछ नया खाने का मन करे, बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप, तो आप इसे बना करके खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं आज की लाजवाब हरियाली पनीर टिक्का। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है एक ग्राइंडर जार, और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप हरा धनिया, और इसी पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पुदीना, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 लहसुन की कली और 1/2 इंच का अदरक का टुकड़ा, इसी पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 हरी मिर्च। तो मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, अगर आप कम तीखा खाते हैं तो कम डालिएगा, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसी पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लेमन जूस, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून दही। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश दही का यूज़ किया है, ना ये ज़्यादा खट्टी है और ना ही ये मीठी है, तो यहाँ पे मैंने प्लेन दही लिया है। और इन सारी चीज़ों को अब हम ग्राइंड कर लेंगे और बिल्कुल फाइन पेस्ट की तरह ग्राइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, तो आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाया है इसका, और ये कितना फ़ाइन पीस गया है। तो चलिए अब इसे एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोल के अंदर इसे निकाल लिया है, और साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड किया है 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन, और 1/2 टीस्पून हम इसी पॉइंट पे ऐड करेंगे चाट का मसाला, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, और 1/2 टीस्पून हम इसी पॉइंट पर इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून कुटा भुना ज़ीरा, और 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने होममेड गरम मसाला पाउडर लिया है, इसीलिए 1/4 टीस्पून लिया है। अगर आप मार्केट का लें तो आप 1/2 टीस्पून ऐड कीजिएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून बेसन। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं डालना है। अब हम लेंगे एक विस्कर और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और साथ ही में हमने लिया है 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च और 1 मीडियम साइज़ का प्याज, दोनों को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। तो इन सारी चीज़ों को हम बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम सब्ज़ियों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और लास्ट में हम इसके अंदर पनीर ऐड करेंगे। अगर हम पनीर को पहले ऐड कर देंगे तो पनीर जो है वो टूट जाएगी, इसलिए हमेशा पहले सब्ज़ियों को मिक्स कर लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा बोल है ये छोटा है, तो मैं बड़े बोल में इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा बोल, और इसके अंदर हम अपनी सारी सब्ज़ी को ऐड कर देंगे। इससे ये है फ्रेंड्स कि आप जब भी कोई बर्तन लें तो बड़े बर्तन में इसे अच्छे से मिक्स करें। तो यहाँ पे सब्ज़ियों को तो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 200 ग्राम पनीर। तो पनीर को मैंने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया है, और ये होममेड पनीर है, तो इसे भी अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत इजी है और बहुत लाजवाब बन के तैयार होती है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ दें, और अगर टाइम नहीं है तो आप इसे 10 मिनट के बाद भी कुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे 1/2 घंटे छोड़ दिया है। अब हम लेंगे एक स्टिक, तो यहाँ पे आज मैं यूज़ कर रही हूँ वुडन स्टिक। तो इस स्टिक को मैंने 1/2 घंटा पानी में डाल दिया था, ताकि जब हम इसमें कुक करेंगे तो हमारी जो स्टिक है वो जलेगी नहीं। तो फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट टाइप अगर आप हरियाली पनीर टिक्का बनाना चाहते हैं तो आप इस मेथड से इसे बहुत आसानी से बना करके घर में तैयार कर सकते हैं, और ये खाने में बहुत ज़बरदस्त लगती है। बड़े और बच्चे हर किसी को ये रेसिपी बहुत पसंद आती है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने पहले सीख को बना करके तैयार कर लिया है, अब हम अपनी दूसरी सीख को भी बना करके तैयार कर लेंगे इसी तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दोनों सीख को बना करके तैयार कर लिया है, अब हम चलते हैं इसे कुक करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा सा तवा, और तवे के ऊपर मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल, और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे इस तरह से। इस पॉइंट पर मैंने गैस की फ्लेम को हाई रखा है, और अब अपने दोनों स्टिक को हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे।
तो यहाँ पे हमने तवे के ऊपर अपनी दोनों स्टिक को डाल दिया है और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम बस 1 से 2 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे चारों तरफ से इसे रोटेट करते हुए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट मैंने इसे तवे पे अच्छे से कुक कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे इस तरह से कुक करेंगे। तो जब हाई फ्लेम पे आप इसे इस तरह से कुक करेंगे तो इसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल स्मोकी बनेगा और बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप बनेगा। तो फ्रेंड्स इस पनीर टिक्के को आप घर में भी बना करके ईज़िली खा सकते हैं और आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली फील आएगी। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अमेजिंग है। इसे आप चटनी या सॉस के साथ भी ले सकते हैं या फिर सिर्फ सैलेड के साथ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज की ये डिलीशियस रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।